जिंदाबाद। जो बोले इंसान है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिंदाबाद। झूठे पर्चे देना पुलिस प्रशासन। अन्य होशियारपुर के थाना दसूहा के मेन गेट अगे लोगों वालों धरना लगा के पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की गई है। इल्जाम यह लगाया कि दसूहा के आम आदमी पार्टी लोगों के नाल धक्केशाइया उतर आई है। गलबात दौरान धरनाकारियों ने कहा है कि सवेरे म्याणी रोड से स्थित गुरद्वारा सिंह सभा से खजांची पुलिस वालों दुरव्यवहार करके धक्के गड्डी बिठा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वह पिछले लंबे समय तो श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मों अनुसार गुरु घर की सेवा कर रहे हैं ते उन्होंने लगे इल्जाम बेबुनियाद ने। असी समूह मैंबरान गुरद्वारा सिंह सभा म्याणी रोड दसूहा जी, असी साढ़ी एक साल तो गुरद्वारा साहब के अकाल तख्त साहब के निजमान मुताबक अकाल तख्त साहब के आदेशों के अनुसार इस गुरद्वारा साहब के कमेटी जी बहुत वधिया ढंग वर्क कर रही है। विरोधी धिर आम आदमी पार्टी की सरकार का सहारा लैके साढ़े नाल एक साल तो लगातार धक्का करते आ रहे हैं। अज भी इन्होंने साडे कैशियर सरदार लखी सिंह मुल्तानी वो गुरद्वारा साहब जा रहे थे तो धक्के बहुत दुरव्यवहार करके पुलिस ने तो उन्होंने गड्डी के सुट के तो लै गए हैं, जिदा कि अजे तक सानू कोई दस पता नहीं दे रहे। असी बार बार अपने ते हो रहे अत्याचार दियां बहुत सारिया एप्लीकेशन दित्तियां जिदे ते एक साल तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुरद्वारा साहब का रिकॉर्ड चुक के लै गए। गुरद्वारा साहब के बहुत बार माहौल खराब करने वास्ते ये बहुत सारे बंदे आए और असी बाई नेम सारे बंदे दरखास्तां दित्तियां ने, पर प्रशासन स्थानक प्रशासन ने आम आदमी पार्टी की सरकार का सहारा लैके साढ़े किसी दरखास्त से कोई कार्रवाई नहीं की। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने इल्जाम लगाया है कि गुरु घर से कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं तो यह भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने लोगों को सरकार की शह प्राप्त है तो सब कुछ सरकारी शह से हो रहा है। दूजे पास मौके पर मौजूद किसान आगू परमजीत सिंह भुल्ला ने कहा कि दसूहा च आम लोगों के नाल दिन प्रतिदिन धक्केशाइया के वाधा हो रहा है। जिला प्रधान हुशियारपुर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब साढ़े लखी सिंह मुल्तानी जिहड़े साढ़े नाल जथेबंद आ ते गुरु घर के खजानची भी है, आम आदमी पार्टी वाले गुरु घर की गोलक ते कब्जा करना चाहते हैं, भोले भाले लोगों के कब्जे करके। बीबी सुरिंदर कौर काला जी जिन्हां दी कोई 70 साल की उम्र आ ते मैं कहना भी प्रशासन नूं शर्म आनी चाहिए आ कि ये झाड़ू वाले हुण लोगों दीआं धीआं ते मावां ते भैणां ते परचे देन लग गए गुरु घर के कब्जे करने की खातर। इस तरह एक बुद्धो बरगद की माता 80 साल जी के दो पुत अन्ने इस थाने धरना लाया सी, उस संबंध च भी प्रशासन ने साडे नाल बेजुबानी की, इतने वादा किया उसकी जमीन वहा दी जाऊगी। हुण तक ना तो उन्होंने बंदियां ते परचा किया ते ना ही वह जमीन वहाई आ लारे लाउंदे। तो इस पूरे मामले नूं लैके जो पुलिस दे नाल गलबात की गई तो की कहना पुलिस अधिकारी का, आओ सुनते हैं। सर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों थाने के धरना लगाया गया की कारण है? इन्हें जी एक थाने दसूहा दे विच मुकदमा दर्ज होया 420 465 466 467 का, एक लखी सिंह सनो मुख्तियार सिंह ने इतने दसूहे शहर के रहने वाले की गिरफ्तारी पाई कल जी, और बिल्कुल ही जो मुकदमा है वो मेरिट के आधार पर जो अभी रिपोर्ट बना के भेजी सी डी लीगल साहब की ओपीनियन के आधार पर वो मुकदमा दर्ज होया जी, और सही मुकदमा दर्ज होया वो असं इन्हों रिक्वेस्ट भी करते हैं भी जी तुम जो थोड़ा कोई डाउट है तो वो इनकुआरी करा सकते हो, ठीक है ना जी। तो असं जो मुकदमा सही दर्ज किया जो सही वो गिरफ्तारी पा के जो अभी जुडिशियल कस्टडी भेजा जी। गुरद्वारा साहब गुरु इस मामले को लैके ये कहना मुश्किल है कि धर्म से सियासत भारी पै रही है या सियासत से धर्म। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी नूं भी इस मामले दे विच सवालां दे घेरे विच लिया जा रहा है। जरूरत है इस मामले दे विच किसे भी तरह की बेइंसाफी ना होवे ते दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां आईओएस ते फ्री विच रोकू अते अमेज़न फायर टीवी ते जां एप्पल टीवी ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।